हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 283। और आज हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे जिसको कहा जाता है लेडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जेनेटिक्स चैप्टर में से है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एवोल्यूशन की हम कुछ बात करेंगे, म्यूटेशंस की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। सबसे पहले मैं इसके नाम पे जाता हूँ कि हमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा है। देखो, लेडरबर्ग की अगर हम बात करें तो लेडरबर्ग्स वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, इसलिए लेडरबर्ग्स एक्सपेरिमेंट। रेप्लिका, रेप्लिका मीन्स रेप्लिकेशन, दैट इज जेरोक्स। जब हम किसी चीज का जेरोक्स बनाते हैं, उसका कॉपी बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है रेप्लिका, कि दिस इज द रेप्लिका ऑफ दिस, यानी दोनों एक दूसरे की कॉपी है। प्लेटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं एक मीडियम पे, तो कहते हैं ना कि एक कल्चर प्लेट पे हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, दैट इज कॉल्ड एज कल्चर प्लेटिंग। तो यहाँ पे उसी प्लेटिंग की बात की जा रही है, यानी कि हम लोग यहाँ पर कल्चर करने वाले हैं और समहाउ इस कल्चर का हम लोग जेरोक्स करेंगे, इसलिए हम लोग ने इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा है लेडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जोशुआ लेडरबर्ग और एस्थर लेडरबर्ग, ये दो साइंटिस्ट ने 1952 में इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया था। देखो, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये, और इस एक्सपेरिमेंट से हमने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है, इन्फ्रेंस है, वो निकाला था। शुरुआत कर रहा हूं मैं। देखो, एक्सपेरिमेंट तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया था, लेकिन जो मेन चीज समझनी है वो ये समझनी है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, अगार प्लेट पे बैक्टीरिया को कल्चर किया गया। व्हाट इज अगार? अगार एक मीडियम है जिसपे हम लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं, तो अगार इज अ वेरी गुड मीडियम। तो उस अगार प्लेट पे हमने बैक्टीरिया को कल्चर किया, कल्चर किया तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप होगी। तो यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप हुई, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। नाउ दिस प्लेट इज कॉल्ड एज अ मास्टर प्लेट। इसको क्या नाम दिया गया, मास्टर प्लेट, क्योंकि ये सबसे पहली प्लेट जो हमने तैयार की उसको हमने कह दिया मास्टर प्लेट। अब हम इसी मास्टर प्लेट का कॉपी करेंगे, रेप्लिका बनाएंगे, इसलिए रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। कैसे करेंगे हम लोग, देखो जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, हम लोग एक वुडन ब्लॉक लेते हैं, दिस इज अ वुडन ब्लॉक। इस वुडन ब्लॉक पे हम लोग एक स्टेराइल वेल्वेट प्लेट माउंट करके रखे हैं, मतलब ये ना एक प्लेट है यहाँ पर, ठीक है, वेल्वेट प्लेट कहते हैं इसको, और ये स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब इट इज फ्री ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी इस पे पहले से कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अपने को स्टेराइल प्लेट ही लेनी पड़ेगी। अगर ये स्टेराइल नहीं होगी, इस पे पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स का इन्फ्रेंस प्रॉपर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो एक स्टेराइल वेल्वेट प्लेट ली हमने, जो इस तरह से एक वुडन ब्लॉक पे हमने अरेंज कर रखी थी। अब हम क्या करेंगे कि समझो ये हमारी मास्टर प्लेट है, दिस इज द मास्टर प्लेट, और ये हमारा वो वुडन ब्लॉक वाला स्टेराइल वेल्वेट प्लेट। तब इस स्टेराइल वेल्वेट प्लेट को हम मास्टर प्लेट के ऊपर रखते हैं। जैसे इस मास्टर प्लेट के ऊपर हमने वेल्वेट प्लेट रखी, तो मास्टर प्लेट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया इस वेल्वेट प्लेट पर आकर चिपक जाएंगे या अडियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी अब इस वेल्वेट प्लेट पर भी क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और ये बैक्टीरिया हमने कहाँ से लिए, ये बैक्टीरिया हमने मास्टर प्लेट से ही लिए हैं। स्टेराइल थी मतलब यहाँ पर पहले से कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं थे। तो हमने एग्जैक्ट क्या किया, हमने एग्जैक्ट इस मास्टर प्लेट का एक रेप्लिका तैयार किया है, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम रखा है हमने रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बैक्टीरिया अडियर कर गए वेल्वेट प्लेट पे, और यहाँ पर भी अब कॉलोनीज का प्रोडक्शन हुआ। इस तरह से हमने इस मास्टर प्लेट के जो है दो रेप्लिकास क्रिएट किए। इस एक सिंगल मास्टर प्लेट के हमने दो अलग अलग रेप्लिका क्रिएट किए हैं। ठीक है, दिस वेल्वेट प्लेट इज नाउ द रेप्लिका ऑफ मास्टर प्लेट। अब ये जो दो हमने रेप्लिकास डेवलप किए, ठीक है, उनमें से एक अगार प्लेट पे हमने पेनिसिलिन डाल रखा है, और एक अगार प्लेट पे पेनिसिलिन प्रेजेंट नहीं है। कौन सी अगार प्लेट की बात कर रहा हूं, जो मैंने रेप्लिका बनाया, पहले मास्टर प्लेट था, उस मास्टर प्लेट से दो रेप्लिका बन गए। एक रेप्लिका में हमने जो मीडियम यूज किया उसमें पेनिसिलिन डाला है, और एक जिसमें मीडियम है उसमें पेनिसिलिन नहीं है। व्हाट इज पेनिसिलिन? पेनिसिलिन आपको पता होगा, इट इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाली, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाली एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। ठीक है, अब देखो यहां पर जो
अगर प्लेट जिस पे पेनिसिलिन प्रेजेंट नहीं है, एक एंटीबायोटिक प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर आपको सारे तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे जो जो उस मास्टर प्लेट पे प्रेजेंट है। सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो अगार प्लेट जिसमें पेनिसिलिन प्रेजेंट है, उस पेनिसिलिन वाली प्लेट पे केवल वही बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास पेनिसिलिन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्ट कर सकते हैं पेनिसिलिन के एक्शन को, और जब वो पेनिसिलिन के एक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो इजिली ग्रोथ शो करेंगे। जबकि वो बैक्टीरिया जिनके पास में पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव हैं, वो बैक्टीरिया अब ग्रोथ नहीं शो कर सकते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन। ये है वो सिंपल एक्सपेरिमेंट। नाउ अब आपको एक्सपेरिमेंट तो आसानी से समझ में आ गया होगा, बट आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ क्या किया गया। देखो, इस एक्सपेरिमेंट से ये हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है जो रेजिस्टेंस शो कर रहे पेनिसिलिन के अगेंस्ट, वो कहां से आए, ठीक है, वो म्यूटेशन उनके पास में कहां से आया। समझना इस चीज को, सारा का सारा जो रिजल्ट है रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट का, वही इंपॉर्टेंस मेन रखता है। किस तरह से कुछ बैक्टीरिया ने उस पेनिसिलिन मीडियम में सर्वाइव किया, कैसे उन्होंने उस पेनिसिलिन के एक्शन को रेजिस्ट किया, उनके पास वो एडेप्टेशन कहां से आया, उनके पास वो रेजिस्टेंस कहां से आया, ये जानने की कोशिश की गई है इस रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब देखो, केवल दो ही तरीके हो सकते हैं, केवल दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि जब उस मीडियम में पेनिसिलिन आया, उन बैक्टीरिया के पास पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस पहले से नहीं था, हमने जब उनको एक पेनिसिलिन वाले मीडियम में इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस होने के बाद में इन बैक्टीरिया के पास में पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आया। यानी अगर हम इस बात को मान लें, अगर हम इस बात को मान लें, तो इससे हम ये कहेंगे कि जब भी उनको कोई एक एडवर्स एनवायरमेंट मिलेगा, उस एडवर्स एनवायरमेंट को कोप अप करने के लिए, उस एडवर्स एनवायरमेंट में भी सर्वाइव करने के लिए वो म्यूटेशंस डेवलप कर लेते हैं। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वी नो कि म्यूटेशन हमेशा डायरेक्शन लेस होते हैं, ठीक है, वो कभी भी डायरेक्शन शो नहीं करते, ये रैंडम म्यूटेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहूंगा वो म्यूटेशन में डेवलप कर लूंगा। आप सोचो, अगर ऐसा होता तो मैं बैक्टीरिया को अगर किसी एसिड में डालता तो कुछ टाइम में वो एसिड के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते उस एनवायरमेंट में जाने के बाद में, बट ऐसा नहीं होता। म्यूटेशंस आर नेवर डायरेक्शनल, ये चीज ध्यान रखना है आपको, म्यूटेशंस आर नेवर डायरेक्शनल, दे आर ऑलवेज रैंडम। ऐसा नहीं है कि जो आप चेंज चाहते हो वो चेंज आप म्यूटेशन से उसी वक्त डेवलप कर लो, दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो दूसरा उसका रीजन है कि वो बैक्टीरिया ने कैसे डेवलप किया एडेप्टेशन, वो समझना कि वो कैसे किया। देखो, उस मास्टर प्लेट में जिसका आपने रेप्लिका बनाया, उस मास्टर प्लेट में कुछ बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट थे जिनके पास म्यूटेंट जीन्स प्रेजेंट थे। मतलब पेनिसिलिन को रेजिस्ट करने वाला जो प्रॉपर्टी है, जो म्यूटेशन है, वो उनके पास पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया और कॉलोनीज डेवलप की। हालांकि मास्टर प्लेट में पेनिसिलिन प्रेजेंट नहीं है, मास्टर प्लेट में पेनिसिलिन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उन बैक्टीरिया में जो बाद में रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं पेनिसिलिन के अगेंस्ट, उनके पास वो म्यूटेंट जीन्स प्रेजेंट है। यानी उस मास्टर प्लेट में अगर हम बात करें, देखो ये मास्टर प्लेट, तो इस मास्टर प्लेट में दो तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट थे पहले से, दो तरह के बैक्टीरिया, एक ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास में पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, और एक ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास में पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इनके पास में, समझो ये रेड वाले वो है जिनके पास में वो म्यूटेशंस प्रेजेंट है जो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उस मास्टर प्लेट में पेनिसिलिन प्रेजेंट नहीं है। यानी वो बैक्टीरिया उस एडवर्स एनवायरमेंट में आया ही नहीं, मतलब हमने उसको वो एडवर्स एनवायरमेंट दिया ही नहीं। तो इस केस में म्यूटेशन पहले से प्रेजेंट है, बट वो म्यूटेशन किसी तरह का बेनिफिट उस बैक्टीरिया को उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में नहीं दे रहा। इस तरह के म्यूटेशंस को हम कहते हैं न्यूट्रल म्यूटेशंस। क्या कहते हैं? न्यूट्रल म्यूटेशंस, यानी ऐसे म्यूटेशंस जो ना तो किसी तरह का हार्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और ना किसी तरह का बेनिफिट प्रोड्यूस कर रहे हैं।
उनको कहा जाता है न्यूट्रल म्यूटेशंस. बट नाउ दीज म्यूटेशंस वर न्यूट्रल इनिशियली, पहले वो न्यूट्रल थे, लेकिन जब हमने उन बैक्टीरिया को वो एनवायरमेंट दिया जिसमें पेनिसिलिन प्रेजेंट था, तो ये न्यूट्रल म्यूटेशन अब जो है एडवांटेजियस हो गया. देखो म्यूटेशन में चेंज नहीं आया, म्यूटेशन पहले से ही उसके पास प्रेजेंट था, बट उस एनवायरमेंट में जहां पर पेनिसिलिन प्रेजेंट नहीं थी तो ये म्यूटेशन उसको कोई एडवांटेज नहीं दे रहा था. तो मतलब म्यूटेशन कैसा था, न्यूट्रल, बट बाद में वो उसको पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस दे रहा है. कब, जब हमने पेनिसिलिन वाली रेप्लिका बनाई, तो ये म्यूटेशन कैसा हो गया, एक बेनिफिशियल म्यूटेशन या फिर एक एडवांटेजियस म्यूटेशन हो गया. इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया दैट द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन, दैट द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन वॉज प्री एग्जिस्टिंग जीन म्यूटेशन. एडेप्टेशन का बेसिस एक ऐसा जीन म्यूटेशन है जो पहले से प्रेजेंट है, जो पहले से प्रेजेंट है, और वो पहले से प्रेजेंट म्यूटेशन से रिलेटेड जब एनवायरमेंटल में कोई चेंज आया तो अब उसने उस म्यूटेंट बैक्टीरिया को सेलेक्ट होने में हेल्प की. वो आराम से पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो किया, उसका वहां पर नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद में वो बैक्टीरिया ने अपनी ग्रोथ शो की. वी ऑल नो कि नेचुरल सिलेक्शन में नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है, जिसके पास में एडेप्टेशन प्रेजेंट है, और वो एडेप्टेशन के लिए उसके पास में जो है उस तरह का जीन होना चाहिए, तो वो जो उसके पास पहले से प्रेजेंट था. इस तरह के म्यूटेशंस को कहा जाता है प्री एडेप्टिव म्यूटेशंस. क्या नाम दिया गया, प्री एडेप्टिव म्यूटेशंस. क्यों, क्योंकि उसने उसको उस जो नया एनवायरनमेंट जिसमें वो एडेप्ट होगा उसके लिए उसने उसको पहले से, प्री मतलब पहले से तैयार कर रखा है. एक ऐसा म्यूटेशन जो एडेप्टेशन से पहले ही प्रेजेंट है उसको कहा जाता है प्री एडेप्टिव म्यूटेशन, एंड दे एक्सप्रेस ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू अ न्यू एनवायरनमेंट. उस मास्टर प्लेट में क्या वो म्यूटेशन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पेनिसिलिन के अगेंस्ट पेनिसिलिन डाला हमने अपनी रेप्लिका के अंदर, तो अब वो म्यूटेशन जो है बेनिफिशियल हो गया और वो एक्सप्रेस कर रहा है. कब, जब हमने उसको एक्सपोज किया एक नए एनवायरमेंट में. तो प्री अडेप्टिव म्यूटेशंस पहले से प्रेजेंट है और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एक नए एनवायरमेंट में, और उससे उस ऑर्गेनिजम्स को एडेप्टेशन में हेल्प मिलती है. तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि जो नया एनवायरमेंट है वो नया एनवायरमेंट ने म्यूटेशंस इंड्यूस नहीं किए. जो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है वो म्यूटेशंस इंड्यूस नहीं करता. ऐसा नहीं होता कि एनवायरमेंट चेंज हो गया और उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है म्यूटेशन हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता. एनवायरमेंट म्यूटेशंस इंड्यूस नहीं करता, लेकिन एक नया एनवायरमेंट उन म्यूटेशंस को सेलेक्ट करता है, उन म्यूटेशंस को सेलेक्ट करता है जो म्यूटेशंस अब उस नए एनवायरमेंट में उसको एडेप्ट करने में हेल्प करेगा. तो बेटर एडेप्टेशन टू अ न्यू एनवायरमेंट कपल्ड विद नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू स्पीशिएशन. ठीक है, किसी नए एनवायरमेंट में बेहतर तरीके से एडेप्ट होना. ठीक है, फिर उस पर काम कौन करता है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसको सेलेक्ट करता है और तब जाकर एक नई स्पीशी का डेवलपमेंट होता है. यानी कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो हमने इस केस में पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो नई स्पीशी है बैक्टीरिया की, वो कब डेवलप हुई, जब हमने उसको एक नया एनवायरनमेंट दिया और उस नए एनवायरनमेंट में एक प्री एग्जिस्टिंग म्यूटेशन की वजह से वो एडेप्ट हुआ और उनको नेचर ने क्या किया, सेलेक्ट. यहां पर काम हुआ नेचुरल सिलेक्शन का और तब जाकर एक नई स्पीशी हमें देखने को मिली. तो इस तरह से स्पीशिएशन का जो हमारी समझ थी स्पीशिएशन के लिए कि नई स्पीशीज कहाँ से आती है, उसको समझने में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान दिया है लीडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट ने. तो ये था लीडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट और उसका रिजल्ट जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की. आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस. स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.